कतहु मुनि उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। एहि विधि गयहु कालु बहु बीति, नित नहीं हो ही राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति के देखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्त की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूप शील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर हि सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेजपुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहु विधि राम से वही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिर जाके ही करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि वरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करने का वर्णन किया। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु। जाई विहायहु शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संहारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ वचन पुनि मेट न जाही। सिर धरि आय सुकर ही तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मात पिता गुरु प्रभु के इवानी, बिन ही विचार करिए शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना या मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो शिव सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेउ, अब और राखेउ जो हम कहेउ। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतरधान भय अस भाषी, शंकर सोई मूरत उर राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतरधान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पही जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरही प्रेरी पठेहु भवन दूर करे संदेहु। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संहारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए।
तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषण ने गौरी देखी तह कैसी मूर्त मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन शैल कुमारी करहु कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले हे शैल कुमारी सुनो तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। कही अपराधो का तुम चहो हम सन सत्य मर्म किन कहो। कहत बचन मनु अति सकुचाई हसी हो सुनी हमार जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा बात कहते मन बहुत सकुचाता है आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनुहट परा न सुनहि सिखावा चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना बिनु पंखन हम चहि उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अविवेक हमारा चाहिए सदा सिवई भरतारा। हे मुनियों आप मेरा अज्ञान तो देखिए मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनत वचन भी से ऋषय गिरि संभव तब देह। नारद कर उपदेश सुनी कहो बसो किस गेह। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी। हरहुनाथ मम संकट भारी। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। सियावर रामचंद्र जी की जय।